वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। वेल दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे बॉलीवुड के चर्चित परिवार बच्चन परिवार के बारे में। बच्चन परिवार का एक अलग ही नाम और रुतबा है। बच्चन परिवार जहां भी जाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बेहद खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए अमिताभ बच्चन ने कड़ी मेहनत की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के स्टारडम के बारे में। अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों के जरिए, टीवी शोज के जरिए करोड़ों की कमाई की है और काफ़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आज के समय में बिग बी के पास एक से बढ़कर एक आलीशान घर है और इन आलीशान घर में वह अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। जहां एक तरफ बिग बी के शौक जो काफ़ी महंगे देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए बिग बी की लाडली प्यारी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के बारे में, तो श्वेता बच्चन नंदा जिन्होंने भले ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम ना रखा हो, लेकिन श्वेता अपनी ग्लैमरस लुक के जरिए, अपने लाइफस्टाइल के जरिए हमेशा ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हुई नजर आती हैं। हम बात करेंगे आज यहाँ पर श्वेता बच्चन नंदा के शौक के बारे में। करोड़पति अमिताभ बच्चन की बेटी हैं श्वेता बच्चन नंदा, तो वहीं बिजनेस टाइकून निखिल नंदा की पत्नी है। इतना ही नहीं, श्वेता बच्चन खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन श्वेता ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा है, अपने टैलेंट के जरिए उन्होंने खास पहचान बना रखी है। सो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से श्वेता बच्चन नंदा काफी महंगे शौक रखती हैं, तो वहीं उनके शौक काफी सस्ते भी हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए श्वेता के शौक के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान के घर मन्नत में एक बार फिर से खुशियां दस्तक दे चुकी हैं। 30 अक्टूबर के दिन शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। जी हाँ, ड्रग्स मामले में आर्यन खान तकरीबन 23 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे। शाहरुख खान और गौरी खान काफी ज्यादा चिंतित और परेशान रहे अपने बेटे आर्यन खान को लेकर, लेकिन शाहरुख की तमाम कोशिशों के बाद आर्यन खान फाइनली अपने घर वापस लौट आए हैं। ऐसे में देखा जाए तो आर्यन में काफी बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि आर्यन अब काफी ज्यादा शांत रहने लगे हैं। वह अपने दोस्तों से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो वहीं ज्यादा से ज्यादा समय वह कमरे में ही बिताते हैं। इस घटना का आर्यन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। वहीं इस घटना के बाद जिस तरह से आर्यन में कई बड़े बदलाव आए हैं, इस मुश्किल घड़ी में शाहरुख और गौरी अपने बेटे के साथ खड़े हुए हैं। इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए आर्यन की काफी मदद भी कर रहे हैं। इसी बीच शाहरुख खान और गौरी खान को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। वेल, इस मामले के दौरान देखने को मिला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शाहरुख खान की सपोर्ट में उतर आए, उनका सहारा बने। वहीं इस दौरान शाहरुख खान का बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग को लेकर भी खुलासा हुआ। किस तरह से शाहरुख बेहद मजाक करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी को स्टार्स के साथ, तो वहीं इंटरव्यूज में कई राज खोलते हुए भी देखे जाते हैं। हम बात करेंगे आज यहाँ पर बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान के बारे में। जी हाँ, दोनों ने साथ में मिलकर कई फिल्मों में काम किया है और इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कई बातें ऐसी भी हुई हैं जो काफी दिलचस्प है। वेल, बात करने जा रहे हैं हम बॉलीवुड की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म देवदास के बारे में।
इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान ने जिस तरह से किरदारों को निभाया वो आज भी लोगों को याद है। इस फिल्म से जुड़े ऐसी कई किस्से हैं जो लोगों को हैरान कर जाते हैं। वेल, बता दें आपको, शाहरुख खान एक मामूली लगने वाली चीज से डरने भी लगे थे। इसका खुलासा खुद शाहरुख खान ने किया था। वहीं शूटिंग के दौरान उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ बेहद अलग बर्ताव किया था। दरअसल उन्होंने ऐश्वर्या राय के हाथ को नोच डाला था। इसके पीछे की वजह क्या थी, आखिरकार शाहरुख क्यों डरे सहमे रहे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल साल 2002 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और जब शाहरुख संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम कर रहे थे भी। दरअसल ये किस्सा है साल 2002 का, जब शाहरुख खान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ इस फिल्म में काम कर रहे थे। शाहरुख के अलावा इस फिल्म में जो स्टार कास्ट है उसके बारे में हमने आपको बताया। माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और जैकी श्रॉफ अहम भूमिका में नजर आए। वहीं शाहरुख ने फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में एक किस्सा भी सुनाया, जब वह एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ फिल्म डियर जिंदगी के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। उस दौरान कपिल ने शाहरुख से पूछा कि किन किन चीजों से उन्हें डर लगता है। उन्होंने जवाब दिया कि आपको यकीन भी नहीं होगा, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजों से डर लगता है, इतना डर लगता है कि मैं रोने ही न लग जाऊं। एक फिल्म में मैंने एक सीन में अपने साथ काम कर रही एक्ट्रेस के हाथ को ही नोच डाला था। जी हाँ, शाहरुख ने बताया कि शाहरुख खान ने बताया कि झूले से मुझे बहुत ही डर लगता है, मैं उस पर बैठ ही नहीं सकता, मैं अभी बात भी कर रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है। वो देवदास का झूला वाला सीन था जिसे करते हुए मेरी हालत खराब हो गई थी। वहीं संजय लीला भंसाली बार बार वही सीन शूट करा रहे थे, ऐसे दूर से झूला आ रहा था और वो भी पानी के ऊपर से। डर की वजह से उस वक्त मैंने बेचारी ऐश्वर्या राय का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और अच्छी तरह से नोच डाला था। इस तरह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय के साथ किए बर्ताव को लेकर खुद खुलासा किया। साल 2002 में देवदास रिलीज हुई थी और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान ने हर किसी को दीवाना कर दिया था। देवदास इस तरह से सुपरहिट रही कि भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए इस फिल्म को नॉमिनेट भी किया गया। वेल, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ शाहरुख की बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं जब शाहरुख खान बच्चन फैमिली के साथ बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आए हैं। वर्क फ्रंट के बारे में बातचीत की जाए तो ऐश्वर्या राय बच्चन आप सभी को नजर आएंगी फिल्म पोनियन सेल्वन में, तो वहीं शाहरुख खान पठान और एटली के फिल्म पठान की शूटिंग की शुरुआत भी जल्द ही करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जाना कि श्वेता बच्चन जो काफी महंगे शौक रखती हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ श्वेता सस्ते शौक भी रखती हैं। श्वेता का ये अंदाज, श्वेता का ये दिलचस्प राज वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। आज के समय में श्वेता बच्चन नंदा काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। वेल, श्वेता ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है फिल्म इंडस्ट्री से हटकर। आप क्या कहते हैं श्वेता बच्चन नंदा के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।